राजस्थान विधानसभा में दिया कुमारी के मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के अलावा शांति धारीवाल से अकेले भिड़ गए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। ये तस्वीर उस वक्त की है जब दिया कुमारी विधानसभा में बजट पेश कर रही थी, लेकिन हंगामे की वजह बना बजट के करीब 15 मिनट बाद जब दिया कुमारी ने ईआरसीपी के मुद्दे पर पिछली सरकार यानी अशोक गहलोत सरकार पर सवाल उठाए तो विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। सदन आप इससे भी खुश नहीं है, वंचित रखना चाहते हैं। एक बार के लिए स्पीकर वासुदेव देवनानी ने हंगामा रोका, लेकिन अगले 30 सेकंड में ही हंगामा फिर शुरू हो गया क्योंकि दिया कुमारी बार बार बजट भाषण से बाहर हटकर बयान दे रही थी। फिर क्या हुआ आप खुद सुनिए। हमने इसको बढ़ाया है, आपको भी इसमें तो खुश होना चाहिए ना, आपको तो हर चीज में आपत्ति। जनता को कोई लाभ नहीं मिलना चाहिए, जनता को प्यासा रखो, भूखा रखो, गरीब रखो। अरे माननीय अध्यक्ष आप बोलिए, बैठिए, आपका मौका दूंगा, आपका मौका दूंगा। पेयजल एवं सिंचाई हेतु आपका मौका, मुझे कहना पड़ेगा क्या कुछ, मुझे कहना पड़ेगा। पेयजल आप पेयजल एवं सिंचाई हेतु निर्मित की जा रही परियोजना के साथ साथ छोटे स्तर पर, अरे सुनना है तो सुनिए, नहीं तो भाजो आस्थान पांव पे है श्रीमान धारीवाल जी, मैं आपके नाम पुकार रहा हूँ, बैठिए आप बैठिए। सेतु जल संग्रहण करना भी अति आवश्यक है, सुनना पड़ेगा बजट भाषण। हमारी सरकार जो मौका आएगा तो आप बोलिए, जल संग्रहण एवं संरक्षण के लिए मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान की शुरुआत की गई थी। अब मैं पुणे आगामी वर्ष से लगभग 11,200 करोड़ की राशि से मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 शुरू किए जाने की घोषणा करती हूँ। वेल में आओगे कार्रवाई करनी पड़ेगी, वेल में आओगे कार्रवाई करनी पड़ेगी। अगली 4 वर्षों में 20,000 अपने सीटों में जाइए, अपने सीटों में जाइए, आप भी बीचों नहीं बोलेंगे। आप मिर्चा बोरा इसके तहत आगामी 4 वर्षों में रोहित बोरा 20,000 गांवों में 5 लाख वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स बनाए जाएंगे। प्रथम चरण में आगामी वर्ष 5,000 से अधिक गांवों में 3,500 करोड़ रुपए की राशि से 10,000 कार्य करवाए जाने प्रस्तावित है। सीटों में जाइए, सबसे निवेदन है सीटों में जाइए, वन संरक्षण अपने भी सीटों में जाइए, अपने सीट में आगामी वर्ष, अरे आपने भी पढ़ा है पहले, सीटों में जाइए। आप एक मिनट मुख्यमंत्री जी कुछ कह रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी मैं आग्रह करना चाहता हूं कि एक महिला बजट पढ़ रही है, आपको थोड़ा आपको लगना चाहिए और अरे सुनिए आपको अरे नेता आपको ये दिक्कत बोल रहा है, आपको ये दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप पहले सुनिए, बैठिए, आप मर्यादा की बात, कृपया बैठिए, आप मर्यादा की बात करते हैं, थोड़ा मर्यादा में हमको भी बैठे बोले देखना चाहिए। देखिए ये बजट है, ये कोई बहस नहीं है, और मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि एक महिला बजट पढ़ रही है, आपको उसका प्रोत्साहन करना चाहिए, ऐसे नहीं। अरे बैठिए, सदन के नेता जब खड़े हो आप, हाँ मैं दूंगा, मैं माननीय सदन के नेता से कहना चाहूंगा, माननीय मंत्री जी के हमें महिला के बजट पढ़ने से कोई एतराज नहीं है, और महिला भी हमारे प्रदेश की उप मुख्यमंत्री है, आप महिला क्यों कह रहे हैं? आधी आबादी का नेतृत्व कर रही है। माननीय वित्त मंत्री हैं, हम तो माननीय हमारी माननीय वित्त मंत्री हैं, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ माननीय कि महिला वित्त मंत्री हैं और वो बजट पढ़ रही हैं, आपको थोड़ा शांति से बजट को सुनना चाहिए हर बात। अरे धारीवाल जी आप सीनियर हैं, सदन के नेता, अरे सदन के नेता सुनिए, फिर आपको मौका दूंगा।
देखिए सुनिए धारीवाल जी, माननीय सदस्य धारीवाल जी, धारीवाल जी सुनिए, ये विपक्षी नेता खड़े हो कोई नहीं खड़ा होगा, धारीवाल जी आप सुनिए, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, आप इस सदन के सीनियर हैं, आप इस सदन के सीनियर हैं, क्यों बैठा दिया आपसे जो नए लोग हैं कुछ शिक्षा भी लेंगे, आप नेता बोल रहे हैं, आप शिक्षा दीजिए, आप सदन के सीनियर हैं, ऐसे नहीं होता है, अरे बैठ जब खड़े तो आप बैठिए, ऐसे नहीं होता है, उन मर्यादाओं को, अरे सुनिए, नहीं नहीं आप बैठिए, आप ऐसा मत करिए, पहली बार चुनते हैं, ये सदन की गरिमा, सदन की गरिमा हम सबको रखना आवश्यक है, अरे सदन ये सदन है, ये सदन की गरिमा रखना हम सबका कर्तव्य है, हम पक्ष विपक्ष बाद में, लेकिन ये सदन है, ये सदन है, हम पक्ष विपक्ष बाद में, पहले ये सदन है, और इस सदन की गरिमा हर सदस्य को रखना आवश्यक है। हमारी माननीय महिला वित्त मंत्री बजट पढ़ रही हैं, आपको कहना है वो आपको मौका मिलेगा, बैठे बैठे श्रीमान, और आपको ये ऐसे थोड़ी है, बोहरा अंतिम चेतावनी दे रहा हूँ, तमाशा बना रखा है तुमने सदन को, अन्य अध्यक्ष जी हमने सदन को आप हमने सदस्यों को संभालिए, नहीं तो आई विल कॉल हिम। माननीय अध्यक्ष जी बात एक महिला की नहीं है, पहले तो मैं सदन के नेता को ये कहना चाहूंगा, हम महिलाओं का पूरा सम्मान करते हैं, आप एज ए फाइनेंस मिनिस्टर यहाँ पे बीच में नहीं बोलेंगे, आप बजट पढ़ रही हैं, बात ये है कि हम तो देश की जो हमारी वित्त मंत्री है वो भी महिला है, उनका बजट सुन रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, बात ये है कि सदन की जो परिपाटी, अरे भाई बैठिए बैठिए, अरे विपक्ष अरे बैठिए, अरे ये आप इसको, अरे माननीय सदस्य, अरे माननीय सदस्य, अरे माननीय सदस्य, माननीय सदस्य आसन पाओ पे, माननीय सदस्य अरे बैठिए, इसका मेरा काम है, माननीय अध्यक्ष महोदय एक मिनट अभी आ, आ अरे आपका नेता बोल रहा है, अध्यक्ष जी मैं पहले भी मैंने कहा था, पहले भी मैंने कहा था आपसे, ये यहाँ पे जो चुन के लोग आए हैं जनता ने तो चुन के भेज दिए, लेकिन ये सदन की मर्यादा नहीं रख रहे आपके, और आज भी जो बात इधर भी कई लोग नहीं रख रहे, आज भी जो बात है, मैं ये कहना चाहूंगा समझाइए, हमारे सदस्यों की मेरी जिम्मेदारी है, सबकी, हमारे सदस्य जो बोल रहे हैं ना, पक्ष की भी है विपक्ष की भी है, आप वित्त मंत्री जी जो है, अरे ये मेरा काम है ना, अरे ये मेरा काम है, ये मेरा, आपको किसने कहा खड़े होने के लिए, मिस्टर रफी खान, माननीय अध्यक्ष जी दो मिनट बोलिए, आप बजट पढ़िए, जो आपको लिखा हुआ दिल्ली से आया वो आप पढ़ लीजिए, आप अलग से टिप्पणी इसमें बजट के अंदर नहीं कर सकते। हालांकि जैसे तैसे मामला शांत हुआ और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने फिर से अपना बजट पढ़ना शुरू किया। ब्यूरो रिपोर्ट, पॉलिटिकल पंचायत।